अलक पांडे AKA फिजिक्स वाला। माय नेम यस योर नेम माने ना उवुवुवु एन्य टुएनवु उगबेमुगबेम ओसास। वेल जितने इनके नाम में लेटर्स नहीं थे उतने अलक सर के पास अचीवमेंट्स हैं एंड ही इज द फेस ऑफ हिज ओन ब्रांड। वेल PW स्टूडेंट्स जो कि मैं भी हूँ वो कहते हैं कि फिजिक्स वाला इज नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूट, इट इज एन कमेंट्स में बताना। खैर हमारे अलग सर फेमस है अपने जॉली नेचर और यूनिक टीचिंग स्टाइल के लिए। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे ही देता हूँ। वेल भारत के सबसे किफायती और सुलभ एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $10 करोड़ जुटाए हैं और ये फंडिंग वेस्ट ब्रिज और GSB वेंचर से मिली है और इसी के साथ ये फर्म इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न और पहली एडटेक कंपनी बन गई है। तो इस लेन देन के पूरा होने के बाद कंपनी की वैल्यूएशन $1.1 अरब की हो गई है और ये वही अलग पांडे की फिजिक्स वाला है जिसको एक बार अनअकैडमी ने ₹4 करोड़ पर एनम नौकरी का ऑफर दिया था। वेल अनअकैडमी आज यूनिकॉर्न होने के बावजूद भी लॉस में चल रही है, वहीं फिजिक्स वाला पैसों के साथ स्टूडेंट्स के दिल भी जीत रहे हैं। लिटरली यार 60-70-80 हजार के कोर्सेज 4-5 हजार में कौन सा ही इंस्टीट्यूट देता है। खैर फिजिक्स वाला ने अनअकैडमी बायजूस और वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म्स को कैसे हराया वो तो हम आपको बताएंगे, बट इससे पहले कुछ ये सुनिए। वेल अलग सर को शुरुआत से ही टीचिंग में काफी लगाव था, वे बच्चों को पढ़ाना पसंद करते थे और जब वे स्कूल में थे तो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वे छोटे बच्चे को कोचिंग दिया करते थे और इसी दौरान उनका टीचिंग में लगाव बढ़ता ही चला गया। वेल अलग सर 11th में कई किलोमीटर दूर 9th क्लास के स्टूडेंट को साइकिल से पढ़ाने जाते थे और 12th क्लास में उन्होंने मैथ्स के टीचर बनने का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर बाद में कानपुर के सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। वेल वहां के स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद आया और रिपोर्ट्स की माने तो वहां के संस्थापक ने उनको यूट्यूब चैनल बनाने की सलाह दी जिससे कि वे एक ही बार में ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। तो 2014 में अलग सर ने फिजिक्स वाला नाम का अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। शुरुआत में ज्यादा सफलता नहीं मिली लेकिन अलग सर लगे रहे और फाइनली 2017 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला लिया और फुल टाइम यूट्यूब को कैरियर बना लिया। इनफैक्ट यूट्यूब पर आकर उन्होंने अपने से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स का कैरियर बनाया है और इसी बीच 2019 में उनके चैनल पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। वहीं 2020 में कोरोना वायरस के बाद ऑनलाइन टीचिंग का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया और इसने अलग सर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और करंटली इनके चैनल पर 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सो अलग सर ने बच्चों के बीच अपनी पहचान स्थापित करने के बाद जून 2020 में फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया। तो अपने इनिशियल डेज में जहां अनअकैडमी और बायजूस जैसी कंपनियां बच्चों से लाखों रुपए के पैकेज बेचती थी तो वहीं अलग सर ने बच्चों को केवल 999 में अपने पैकेज बेचे। वेल अनअकैडमी और बायजूस जैसे प्लेटफॉर्म को कॉम्पिटिशन तो उसी दिन मिल गया था जिस दिन फिजिक्स वाला यूट्यूब पर आए थे। वेल इसके बावजूद भी अनअकैडमी काफी बार काफी बड़े बड़े पैकेजेस से अलग पांडे सर को अपने इंस्टीट्यूट में लाना चाहते थे बट दे फेल्ड। सी व्हाट आई फील इज कि अलग सर से ज्यादा तो उनके बारे में उनके स्टूडेंट्स जानते हैं। सो मैं इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ता हूँ, फिलहाल मैं बताता हूँ कि फिजिक्स वाला ने कॉम्पिटिशन को किल कैसे किया। देखो जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब और प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि सबसे पहले वो बनाते हैं प्रोडक्ट और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढते हैं जिसके लिए उनको चढ़ाने पड़ते हैं महंगे महंगे एड्स, जैसे कि आपने बायजूस के एड में शाहरुख खान को देखा होगा। वेल कई वेरीफाइड रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जितना बायजूस और अनअकैडमी एक साल में प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं वे उससे ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हैं और यहीं पर फिजिक्स वाला एक बड़ा दाव खेल लेते हैं। उन्होंने देख लिया कि उनके पास काफी लार्ज ऑडियंस है जो कि उन पर ट्रस्ट करती है और एक लार्ज ऑडियंस को लेने के बाद एक ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद फाइनली उन्होंने अपना प्रोडक्ट निकाला। वेल जब PW ऐप लॉन्च हुआ था तो वो क्रैश हो गया था क्योंकि उस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया था और इन्हीं सब कारणों से फिजिक्स वाला को एडवर्टीजमेंट पर बहुत कम रुपए खर्च करने पड़ते हैं और यही एक मेन रीजन है कि फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न के साथ साथ प्रॉफिटेबल भी है। खैर फिजिक्स वाला ऑफलाइन भी उतर चुका है एंड गेस व्हाट, ऑफलाइन भी कोचिंग की प्राइसेस बहुत ही ज्यादा कम है और अब ऑफलाइन में एलन को उसका सबसे बड़ा कंपटीटर मिल चुका है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। खैर आपको क्या लगता है कि अलग सर की ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप उनसे अटैच्ड फील करते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड यस PW इज नॉट एन इंस्टीट्यूट, इट इज एन